नाम है जी, की मसला हो अज? मेरा नाम गगनदीप है जी। मसला यह लगभग पिछले लंबे अरसे तो चली जाता है जी, ये 10 दिन हो गए लगभग। साढ़े एक क्लास 4 है वार्ड अटेंडेंट मुंडा मेडिकल वार्ड च सीगा, कंट्रैक्चुअल कामा सीगा जी, उदी कुछ लोगों वालों कुटमार की गई है, जिदे संदर्भ दे विच यह धरना जिहड़ा कल तो लगातार चालू सीगा जी। अज जिहड़ी पुलिस प्रशासन है उन्हें उस बंदे दी साडी मंग सीगी कि उन्हूं गिरफ्तार किया जाए। पुलिस लगातार उन्हूं टाल मटोल जिहड़ी आ उहदी नीति ते चल रही सीगी, कदे कोई बहाना लैके आउंदी सी, कदे कोई बहाना लैके आउंदी सी, पर इन्हां लोकां दे जोर ते इन्हां लोकां दे कट करके अज साडा वो मसला जिहड़ा वह हल हो गया। तो एक बार असी इस धरने नूं जिहड़ा वह मुलतवी कर रहे हैं, तो साडे सारे साथियों नूं असी अपील की है भी तुसीं आपदे कम्मां कारां दे उत्ते परतो, ते जिहड़े लोक तुहाडे तों आसां उम्मीदां लैके आए ने उहनां दे इलाज दे विच किसे किस्म दी कमी नहीं रहनी चाहीदी। उन्हां नूं सहयोग करो, उन्हां नूं जिहड़ियां दिक्कतां ने उहदे विच दूर करो, ते उहनां दा साथ है जिहड़ा वह आपदे नाल रखो, क्योंकि इस नाकस प्रबंध दे विच कम करना बहुत औखा होया पिया। जिहड़े हिसाब दे नाल साडे नाल ट्रैजडियां आए दूए तीए दिन, मतलब सिविल हस्पताल दे विच कुटमार दी इक अद्धी घटना वापर रही आ, उहदे विच कम करना बहुत औखा है। पर फिर भी क्योंकि लोग बहुत सियाने ने, लोग बहुत चंगे ने, ते लोग साडे नाल खड़दे आ, असीं लोकां नाल खड़ांगे। इस लई कि यह जिहड़ी संस्था, इहदे तों लोकां नूं बहुत वड्डियां उम्मीदां ने। इस संस्था तों लोग इलाज करवाउण आउंदे ने, उह लोग इलाज करवाउण आउंदे ने जिहड़े वड्डे वड्डे घराणियां दे हस्पताल जिन्हां ने खोले आ उहनां 'च इलाज करवाउण नहीं जा सकदे, जिहड़े तंगियां तुरशियां दा जीवन जिहड़ा उह गुजार रहे ने। इस करके असीं उहनां दा पूर्ण सहयोग देवांगे ते उहनां दे नाल खड़ांगे। पर आह 2 दिन जिहड़ी सानूं दिक्कत आई आ उहदे लई असीं लोकां तों माफ़ी भी चाहुंदे आ, पर इह साडी मजबूरी सी, साडा कोई शौक नहीं सी। इहदी जिहड़ी जिम्मेवार असल विच पंजाब दी पुलिस है, इत्थों दा प्रशासन है, जिहड़ा 2 दिन इहनां नूं लोकां नूं तंग होणा पिया। जे इह मसला साडा पहले दिन ही हल कर दिंदे ते लोकां नूं इन्ना परेशान नहीं सी होणा पैंदा। सो इस करके बिल्कुल कहा सीगा जी, हुण भी उही गल हुई है मीटिंग दे विच एस एस पी दी गल वाली जिहड़ी गल आ, उह असीं पहलां वी इह गल कहिंदे आ वी जे एस एस पी ने धमकी दित्ती आ इहदा मतलब इह आ वी आ जिहड़ी चौंकी आ इहदे विचों गलत किस्म दीआं रिपोर्टां बणा के उपर पेश कीतीआं जा रहीआं ने। एस एस पी देखो इत्थे कोई तफतीश करन तां आए नहीं, ना उह आप आए आ। जे इहनां ने पेशकारी कुछ घटनाक्रम दी इस किस्म दी दित्ती आ तां ही करके उहनां ने इह गल बयान दित्ता। असीं इस गल दा सिविल सर्जन दे सामने, तहसीलदार साहब बैठे सी उहनां दे सामने, उहनां दे सामने वी असीं इस गल दा जिक्र करके आए हाँ, जिहदे तों मतलब एस एच ओ साहब नूं काफ़ी तकलीफ हुई उस गल की बई तुसीं इह गल क्यों कहने हो। वो तो इत्थों तक उतरे सी वी मैं तो तेरे नाल कोई डायलॉग ही नहीं करना। चलो सानू किहड़ा कोई चाह किसी नाल डायलॉग करन दा, असीं भी डायलॉग नहीं करना चाहते। असीं तो सिर्फ इन्ना ही चाहते हाँ भी जिहड़े साडे आ कामे आ ये काम करने वास्ते इन्हों सुखावा माहौल दिता जाए। आ जिहड़े लोग ने यह तंगियां तुरशियां दे मारे ने बेचारे, इन्हां नाल चंगा यह विहार करन, चंगी इन्हां दा दवाई दवाई बूटी कर सकन। जिन्ने थोड़े टुट्टे साधनां दे विच असीं खड़े हाँ उन्हां दे विच काम करना बहुत बेहद मुश्किल आ। साडियां समस्यावां लोकां नूं भी ते साडे प्रशासन नूं भी समझण दी लोड़ आ भी इहो जिहे माहौल दे विच काम करना कोई सुखाला नहीं हैगा। सिद्धू साहब थोड़े वाली गल बिल्कुल जायज आ, इत्थे की आ, इत्थे वापर की रहा है ये समझो ही बाहर की गल आ। कानून की कहिंदा है, एस एच ओ की कहिंदा है, जां कुछ भी इत्थे बनाया जा सकता गिरफ्तारी नूं डिले करन वास्ते उन्हां कोले हजारां ही बहाने ने, ते गिरफ्तारी नूं पवाउण वास्ते लोकां कोले इक्को इक गल आ भई जे तुसीं पुलिस वालिआं दे दबाअ चों निकलना तां उहदे लई इक्को आ भी तुसीं आपदा एका मजबूत करो। साडा जिहड़ा एका सीगा उहने मैनूं लगदी आ भी इहनां दे जिहड़े बहाने सी उहनां नूं तोड़ के असीं पार हो गए, तां करके उह गिरफ्तारी पै गई। ते जे असीं इत्थे बैठे रहिंदे ते फिर कानून की इदू बाद कोई होर नवीं धारा कढ लिआउणी सी। असल विच जिहड़ी पुलिस आ उह कानून नूं लोकां दे खिलाफ़ वरत रही आ, इस करके जिहड़ा हैगा उह कम है साडा अड़कदा रहा। नहीं तो अदरवाइज जिहड़ा सीगा कम ये अड़कना चाहिए नहीं सी, जेन्युइन गल सी, कोई साडी जगों तिरमी तो असीं मंग नहीं सी कर रहे। साडी तो जेन्युइन मंग सी बई जदों पुलिस किसी के खिलाफ़ एफ आई आर लॉन्च कर देंदी आ तो फिर गिरफ्तारी पैनी चाहिए आ। एडी कोई मंग सी, एडू वड्डी तो कोई मंग ही नहीं सी। जां साडा कोई असी कोई पुलिस दे किसी कर्मचारी नूं कहा होवे भी असी इहनूं सस्पेंड कराउणा
असी क्या हो भी एस एच ओ सस्पेंड कराओ, एड्डी वड्डी तो कोई साड़ी मंग ही नहीं सी। सानू पता है भी पुलिस किहड़ियां प्रैशरां दे विच काम करदी आ, जे वो प्रैशर टुट जाणगे लोकां दा एका मजबूत होऊगा। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਮਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਹੈ, ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਆਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਸਾਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ